सूत्रों के मुताबिक यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर 15 पन्नों की रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को सौंप दी है और सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक जेपी नड्डा, अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के साथ रिपोर्ट को लेकर भूपेन्द्र चौधरी की विस्तृत चर्चा हुई। ये रिपोर्ट यूपी की 80 सीटों पर 40,000 कार्यकर्ताओं के फीडबैक के आधार पर तैयार की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन की जो वजहें हैं उनमें अधिकारियों और प्रशासन की मनमानी है, सरकार के प्रति कार्यकर्ताओं में असंतोष है, पिछले 6 साल में लगातार सरकारी नौकरियों के पेपर लीक, संविदा कर्मियों की भर्ती में सामान्य वर्ग के लोगों को प्राथमिकता जैसे कारण गिनाए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि राजपूत समाज की नाराजगी और संविधान बदलने को लेकर दिए गए पार्टी कार्यकर्ताओं के बयानों ने भी चुनाव में बुरा असर डाला है। इसके अलावा टिकट वितरण को लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी जिससे उनके जुनून में कमी आई। सूत्र बता रहे हैं कि रिपोर्ट में कहा गया है कि अग्निवीर इस चुनाव में बड़ा मुद्दा बन गया। सभी सीटों पर करीब 30,000 से 40,000 बीजेपी कोर मतदाता के नाम मतदाता सूची से हटाए गए। इस बार के चुनाव में कुर्मी, कोरी, मौर्य, शाक्य और लोध जातियों के वोट प्रतिशत में भी कमी दर्ज की गई। हिमांशु मिश्रा और ज्यादा विस्तृत जानकारी पहुंचाने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। हिमांशु, इस बैठक के मायने और जो रिपोर्ट सौंपे गए हैं उनमें मुख्य वजह है और इसको लेकर क्या रणनीति अपना रही है बीजेपी? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बिल्कुल साफ है कि जो टॉप टू बॉटम है यानी कि ऊपर से नीचे तक सबको ये एक हिदायत है कि अब आप पार्टी फोरम पे अपनी बात को रखिए, कोई भी जो है वो मीडिया या अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए जो है अपनी बात को नहीं रखेगा और उसके साथ साथ जो भी संगठन के अंदर खामियां हैं उनको दुरुस्त किया जाए, जो रिपोर्ट के अंदर बताए गए हैं जिन कारणों से भारतीय जनता पार्टी को उस तरीके के नतीजे 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं मिले, उनके उन कारणों को जो है वो दूर किया जाए, कार्यकर्ता का सम्मान हो चाहे वो शासन और प्रशासन में हो, ये सारी चीजें अगर ध्यान में रखी जाएंगी तो चाहे वो 10 सीटों पर उपचुनाव हो या आने वाले दिनों में नगर निगम, नगर निकाय, ग्राम पंचायत और जो है गांव के चुनाव हो, उनमें भारतीय जनता पार्टी को उसी तरीके की जीत मिलेगी जिस तरीके की जीत मिली है। लेकिन उनके लिए आपको ये रेमेडीज करने पड़ेंगी, ये जो कारण है उनको दूर करना पड़ेगा, उसके लिए पूरे संगठन को एकजुट दिखना होगा। और इसी क्रम के अंदर अगर देखा जाए तो मुझे लगता है जो कहा गया है सूत्रों के अनुसार भी कि आने वाले दिनों में योगी आदित्यनाथ, ब्रजेश पाठक या धर्मपाल जो वहां के संगठन मंत्री हैं, तमाम वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली बुलाया जाएगा। ये कहा जाएगा संगठन और सरकार एक साथ दिखाई दे, दोनों के बीच में डिफरेंसेस नजर नहीं आए। अगर डिफरेंसेस नजर आएंगे तो जो योगी आदित्यनाथ ने कार्य समिति की बैठक के अंदर कहा था जो कुछ हो रहा है उसका नुकसान जो है वो 2027 के चुनाव में देखने को मिलेगा और अगर वो नुकसान होगा 2027 में तो उसके रेप्लिकेशन, उसका प्रभाव जो है वो 2029 के चुनाव में भी देखने को मिलेगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने इसका संज्ञान लिया। आप देखिए, भूपेंद्र यादव जेपी नड्डा से मिलते हैं, प्रधानमंत्री से मिलते हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री भूपेंद्र चौधरी को बुलाकर मुलाकात करते हैं, फिर गृह मंत्री मुलाकात करते हैं, तो एक तरीके से पूरे बीजेपी आला कमान ने इस मामले को संज्ञान लिया है और वो ये बिल्कुल चाहते हैं कि ये लड़ाई जो है वो घर की लड़ाई घर में ही सुलटा ली जाए, सड़क पर जाने की जरूरत ना पड़े। हिमांशु, आपका बहुत धन्यवाद इस खबर पर विस्तार से जानकारी दर्शकों के बीच रखने के लिए। तो यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सीएम योगी और डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच अनबन की खबरें आग की तरह फैल गई हैं। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकें चल रही हैं। कल देर रात भूपेंद्र चौधरी ने अमित शाह से मुलाकात की और इसके बाद अमित शाह की प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक हुई। तमाम उठापटक के बीच बीजेपी के सामने उपचुनाव की चुनौती भी है और बीजेपी किसी भी कीमत पर यूपी की 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल करना चाहेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 10 सीटों की जिम्मेदारी 30 मंत्रियों को सौंपी है जो जिताऊ प्रत्याशियों की लिस्ट तैयार करेंगे। में बीजेपी की अंदरूनी कलह और भयंकर उथल पुथल के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए स्पेशल 30 की टीम तैयार की है। 30 मंत्रियों को 10 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मीरापुर से कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार और राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर, केपी मलिक प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं।
कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह के अलावा राज्य मंत्री जेपीएस राठौड़, जसवंत सैनी और गुलाब देवी को कुंदरकी विधानसभा सीट का प्रभार सौंपा गया है। कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा और राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह और कपिल देव अग्रवाल को गाजियाबाद का प्रभारी बनाया गया है। अलीगढ़ की खैर एससी विधानसभा सीट की जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी और राज्य मंत्री संदीप सिंह को दी गई है। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह, योगेंद्र उपाध्याय और राज्य मंत्री अजीत पाल सिंह को सबसे अहम करहल विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी नियुक्त किया गया है। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना और राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल कानपुर की शीशामऊ विधानसभा सीट का प्रभार संभालेंगे। फूलपुर विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री राकेश सचान और राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह को सौंपी गई है। बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बनी मिल्कीपुर विधानसभा सीट की जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही और राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह, गिरीश यादव और सतीश शर्मा को सौंपी गई है। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, संजय निषाद और राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र कटहरी से प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं। मझुआ विधानसभा क्षेत्र में 4 प्रभारी मंत्री होंगे। इनमें कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, आशीष पटेल और राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल, रामकेश निषाद के नाम शामिल हैं। सभी 30 मंत्री अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाकर स्थानीय मुद्दों और उम्मीदवारों की समीक्षा करेंगे और उसके बाद जिताऊ उम्मीदवारों का एक पैनल तैयार करेंगे। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि इस बार पार्टी ईमानदार और जिताऊ उम्मीदवार पर ही दाव लगाएगी। प्रभारी मंत्रियों को संगठन मजबूत करने के लिए बूथ स्तर पर काम करने और स्थानीय कार्यकर्ताओं से बेहतर सामंजस्य स्थापित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है और बीजेपी लोकसभा के दौरान हुई कोई भी गलती दोहराने के मूड में नहीं है। आज तक ब्यूरो। तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि केशव प्रसाद मौर्य के बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है। दरअसल डिप्टी सीएम कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। संगठन और सरकार दोनों ही हैं। वहीं बीजेपी के अंदरूनी कलह बाहर आई तो विपक्ष भी हमलावर है। यूपी में बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए इसे कठपुतली का खेल बताया। अखिलेश ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि इंजन ही नहीं अब तक डिब्बे भी आपस में अब टकराने लगे हैं। माने केशव प्रसाद मौर्य जी के बयान का तो कोई बयान ऐसा नहीं था। प्रदेश कार्य समिति में हमारे बहुत सारे नेता बोलते हैं, सबने अपना अपना मार्गदर्शन दिया है और उसमें एक सेंटेंस को लेकर के उन्होंने कार्यकर्ताओं को बुस्टअप होने के लिए ऐसा बोला होगा। और मैं कह सकता हूं कि कार्यकर्ता आधारित कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है और कार्यकर्ताओं की प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक, जिला कार्य समिति की बैठक, ये नियमित हमारी होती रहती है। वो एक कार्यक्रम का एक हिस्सा है। कुर्सी की लड़ाई में जनता बहुत परेशान है। हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा है कि मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हो कि दलाली हो रही हो और अखबारों में बड़ा बड़ा लिखा हो कि दलाली हो रही है तो जनता जानती होगी कितनी दलाली हो रही है।